जय हिंद। इस पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं वह दो प्रकार के कार्यों को ही करते हैं। एक तो जिंदा रहने के लिए बहुत सारे क्रियाकलाप को करते हैं, दूसरा प्रजनन करने के लिए। प्रजनन नहीं करेंगे उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा और वो विलुप्त हो जाएंगे। और जिंदा रहने के लिए भी उनको बहुत सारी एक्टिविटी करनी पड़ती है और ऐसे भी बहुत सारे चीज़ों को करना पड़ता है ताकि हम जिंदा रह सके। हमें रोटी का चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, ये तो आधारभूत चीज़ें हैं। और इन सभी चीज़ों का उत्पादन कौन करेगा, कितनी मात्रा में करेगा और उसको किस उद्देश्य से उत्पादन करेगा, इसके आधार पे अर्थव्यवस्थाओं के कई प्रकार बनाए गए हैं। हमने आपको वीडियो के पार्ट वन में बता दिया है, ये अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक होते हैं, सेक्टर्स होते हैं, उसकी चर्चा हमने कर दिया हुआ है। हमने उसमें और भी बहुत सारी चीज़ों की चर्चा की थी, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं। दुनिया में अलग अलग प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं मिलती है, अलग अलग आवश्यकताएँ भी है लोगों का और उनके काम करने का ढंग भी अलग अलग है। तो अर्थव्यवस्थाएँ भी उसी तरह से अलग अलग प्रकार की मिलती है। वो परिस्थिति पे निर्भर करता है, उनके भूगोल पे निर्भर करता है, उनके इतिहास पे निर्भर करता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि पूरे दुनिया में किस तरह की अर्थव्यवस्थाएं मिलती है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि विश्व के साथ अंतर संबंधों के आधार पर कुछ अर्थव्यवस्थाएँ हमने बना रखी है, जैसे खुली अर्थव्यवस्था या बंद अर्थव्यवस्था। दूसरा आप देख रहे हैं कि विकास के आधार पर, इसमें देख रहे हैं कि एक विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और एक देख रहे हैं कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं भी इस पृथ्वी पे मौजूद है। साथ ही विश्व बैंक जो है, वो विश्व बैंक भी अर्थव्यवस्थाओं का कैटेगराइजेशन करता है, उसको बांटता है प्रति व्यक्ति आय के आधार पे। उसने चार प्रकार से बांटा हुआ है, निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था, निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था, उच्च मध्यम आय वाली अवस्था और उच्च आय वाली अवस्था। इस पर हम चर्चा करते हैं अभी। उसी के साथ साथ कुछ देशों का समूह भी अर्थव्यवस्थाएं के रूप में प्रतिबिंबित होती है, जैसे प्रथम विश्व के देश यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड के देश, द्वितीय यानी कि सेकेंड वर्ल्ड के देश, उसी तरह से तृतीय थर्ड वर्ल्ड और एक है चतुर्थ वर्ल्ड यानी फोर्थ वर्ल्ड। और साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे कि उभरती अर्थव्यवस्था, इमर्जिंग इकोनॉमी किसको कहते हैं। हम इसी पार्ट में ये भी चर्चा करेंगे कि उत्पादन के साधन पे जिसका कंट्रोल होता है, या क्या उत्पन्न करना है, कितना उत्पन्न करना है, कैसे उत्पन्न करना है, उसकी कीमत क्या रखनी है, इसके आधार पर भी एक अर्थव्यवस्था का कैटेगराइजेशन किया हुआ है, जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जैसे समाजवादी अर्थव्यवस्था, जैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसकी चर्चा हम जस्ट इस स्लाइड के बाद हम करेंगे, पहले इसको आप समझ लीजिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, विश्व के साथ अंतर संबंधों के आधार पर दो प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं मिलती है पूरे दुनिया में, उसको बोलते हैं खुली यानी ओपन इकोनॉमी और दूसरा है बंद यानी क्लोज्ड इकोनॉमी। ओपन किसको कहेंगे, ओपन इकोनॉमी वह होगा जो दूसरे देशों के साथ आयात और निर्यात करता हो, ठीक है। आयात निर्यात कहने का मतलब ये हुआ कि अपना सामान अगर वह दूसरे देश को बेचता है और उससे लाभ कमाता है तो उसको बोलते हैं निर्यात, इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि अपनी सारी आवश्यकताएं वो अपने देश के अंदर ही पूरा कर लेता हो, जब वह बाहर से चीज़ों को मंगवाता है अपनी आवश्यकताएं पूर्ति के लिए तो उसको बोलते हैं इम्पोर्ट, इम्पोर्ट उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं आयात। और अगर यह दोनों क्रियाएं किसी देश में हो रहा हो, मतलब आयात और निर्यात की क्रियाएं हो रही हो, तो उसको बोलेंगे खुली अर्थव्यवस्था है। हाँ, ये कंट्रोल हो सकता है सरकारों के द्वारा या उस देश के निजी व्यक्ति के द्वारा, ये अलग बात है। एक है बंद अर्थव्यवस्था, जिसमें ना आयात होता हो ना निर्यात होता हो और उस पर राज्य का नियंत्रण हो, कंट्रोल्ड हो। तो ऐसी अर्थव्यवस्था आजकल दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। आजकल ऐसा कोई नहीं है जो अकेले अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर ले, अपनी अनंत इच्छाओं को, अपने अनंत डिजायर्स को पूरा कर लेता हो, तो ऐसा कहीं कोई मिलता नहीं है। अब देखिए दूसरी, विकास के आधार पर, डेवलपमेंट के आधार पर। डेवलपमेंट किस चीज़ में, डेवलपमेंट कहने का मतलब है कि उस देश में औद्योगिकरण हुआ है कि नहीं हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है कि नहीं है, मतलब कितने परसेंट लोग हैं जो इंडस्ट्री में लगे हुए हैं और उस इंडस्ट्री से कितना ज़्यादा जीडीपी मिलता है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब कितना लाभ कमाता है वह देश इस सेक्टर से। दूसरा है प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय जो है
वह यह भी निश्चित करता है कि वह व्यक्ति जो है वह गरीब है कि निर्धन है, कि अपनी सारी आवश्यकताएं पूरा कर पाता है कि नहीं कर पाता है, वो है। उसके बाद तकनीक का स्तर क्या है, उस देश में अगर तकनीक का स्तर काफ़ी हाई लेवल पे है, अच्छी खासी स्थिति में है, तो कहेंगे कि वह विकसित है। साथ ही साथ अधोसंरचना, अधोसंरचना मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में ये माना जाता है कि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के उस देश का विकास नहीं हो सकता है, न इंडस्ट्री का विकास होगा, न सेवा क्षेत्र का विकास होगा, न प्राइमरी इंडस्ट्री, मतलब कहने का मतलब कि यह ऐसी अधोसंरचना एक बेसिक्स होते हैं। जैसे इसमें दो प्रकार का, एक सामाजिक एक आर्थिक, मतलब सड़क है, परिवहन वाले चीज़ है, बैंकिंग है, ये सब आपका आर्थिक में आता है। साथ ही साथ उस देश में शिक्षा का स्तर भी सही होना चाहिए, उस देश में स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। तो शिक्षा है, स्वास्थ्य, ये सब जो है वो सामाजिक संरचना में शामिल होगा, और आर्थिक संरचना में सड़क है, परिवहन है, बिजली है, ये सब चीज़ें इसमें शामिल होती है। तो देखिए, इसके आधार पर आप देखिए, जो विकसित देश है उसमें ये चारों का विकास हो चुका होता है बहुत अच्छे ढंग से। विकासशील है उसमें यह चारों जो चीज़ है, औद्योगिकरण, प्रति व्यक्ति आय, तकनीक और अधोसंरचना, उसका विकास हो रहा होता है, अभी इसमें प्रगति हो रही है, कंटिन्यूस हो रहा है। भारत एक विकासशील देश ही है, वो विकसित नहीं हुआ है और बहुत ज़्यादा अल्प विकसित भी नहीं है। और अल्प विकसित हुआ होगा जिसमें इन चारों की घोर कमी होगी, बहुत ही कम उसका विकास हुआ होगा। तो ऐसे देश भी दुनिया में मिलते हैं, जैसे अफ्रीका में नाइजर है, जैसे चाड वाले देश है, वैसे भी इन देशों में और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, इसके कारण यह अल्प विकसित बने हुए हैं अभी तक। इसको आप समझ गए। अब आप समझिए कि विश्व बैंक ने अर्थव्यवस्था को कैसे कैटेगराइजेशन किया है। विश्व बैंक जो है वह विकसित और विकासशील जैसे ऐसे इस फॉर्मूला को अब छोड़ते जा रहा है, कहा कि नहीं इसको हटाइए, उसके जगह पे ये लाइए, प्रति व्यक्ति आय के आधार पे हम देखेंगे कि वह देश विकसित है कि नहीं है। तो उसने चार प्रकार के इनकम के अलग अलग कैटेगरी बनाए हुए हैं, जैसे निम्न आय वाला देश किसको कहेंगे, निम्न आय वाला अर्थव्यवस्था किसको कहेंगे, जहाँ पे प्रति व्यक्ति आय $1,036 से कम हो, यानी कि $1,036 से कम, $1 का मतलब कितना हुआ, लगभग 70 से 80 रुपये के आसपास $1 होता है, तो इतना डॉलर है अगर इससे कम कमाता है तो निम्न आय वाला, मतलब गरीब देश माना जाएगा। उसी तरह से निम्न मध्यम, इससे थोड़ा ऊपर, यानी 1,036 से लेके $4,045 तक जो कमाता हो, मतलब प्रति व्यक्ति आय उस देश का हो, तो उसको कहेंगे निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था है वहाँ। तो भारत में इसी तरह की अर्थव्यवस्था है, लो मिडिल इनकम वाली अर्थव्यवस्था है भारत, भारत को अभी और प्रगति करना है। उसी तरह से उच्च मध्यम, हाई मीडियम, हाई मीडियम में कौन आएगा, जिसकी प्रति व्यक्ति आय जिस देश की 4,036 से $12,535 तक हो, तो इसके बीच में जो आते हैं उसको हाई मिडिल इकोनॉमी कहेंगे। तो इसमें चीन वगैरह आते हैं, लेकिन चीन बहुत तेज़ी से प्रगति कर रहा है, वह बहुत जल्द ही उच्च आय वाला स्थिति में शामिल हो जाएगा जितनी प्रगति उसकी चल रही है। भारत में बहुत सारी समस्याएं हैं, तो इसके कारण भारत जो है जल्दी जल्दी आगे नहीं बढ़ रहा है उसमें। यहाँ भारत में निर्धनता है, गरीबी है बहुत सारा, और चीन जो है सिंगल पार्टी सिस्टम है, और वहाँ आप जानते हैं कि कम्युनिज्म चलता है, और जो भी फैसला लेती है सरकार उसको बहुत दृढ़ता से लागू कर देती है, तो इसलिए वो बहुत आगे बढ़ रहा है तेज़ी से। लेकिन उसके मतलब ये नहीं समझिए कि चीन जो है श्रेष्ठ है हर मामले में, भारत बहुत श्रेष्ठ है, भारत में लोकतंत्र है, ये आप जानते हैं। उच्च आय, देखिए 12,535 से ज़्यादा इनकम जहाँ पे है उसको बोलेंगे हाई इनकम इकोनॉमी। तो ऐसे जितने भी विकसित देश है, जैसे अमेरिका है, यूरोपियन कंट्रीज है, और भारत में, एशिया में भी आप देखेंगे, जापान को देखेंगे, और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे, तो ऐसे जितने भी देश है वह सब में $12,535 से ज़्यादा की प्रति व्यक्ति आय वहाँ है, इसलिए उसको बोलते हैं हाई इनकम इकोनॉमी। तो इसको आप समझ गए हैं। अब आप समझिए कि फर्स्ट वर्ल्ड सेकेंड वर्ल्ड किसको बोलते हैं। देखिए एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड में कौन शामिल होता है। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड में मोटा मोटी आप समझिए, जहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है और बहुत ज़्यादा विकसित है, उसी को कहते हैं प्रथम वर्ल्ड यानी फर्स्ट वर्ल्ड। इसका प्रतिनिधित्व करता है यूएसए। यूएसए और नाटो में जितने लोग सम्मिलित है वह अधिकांशतः प्रथम देश के देश ही है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले हैं। द्वितीय में कौन आते हैं, जो समाजवादी या राज्य अर्थव्यवस्था है, जो राज्य के द्वारा कंट्रोल है जहां की इकोनॉमी, उसको कहेंगे सेकेंड वर्ल्ड। इसमें यूएसएसआर इसका मेन मुखिया है, यानी कि उस समय यूएसएसआर कहलाता था, अब रूस कहलाता है। यूएसएसआर जो है वो टूट गया तो रूस बना, ये 15 अलग अलग छोटे छोटे देश बन गए,
और इसको इसी को कहते हैं कि द्वितीय सेकेंड वर्ल्ड है इसमें। और तृतीय वर्ल्ड में कौन होगा, तृतीय वर्ल्ड में जहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी चलता है, जैसे भारत में, जैसे और भी मलेशिया वगैरह है, तो ये थर्ड वर्ल्ड में शामिल होंगे। थर्ड वर्ल्ड में इसका विकास हो रहा है धीरे धीरे, इसको विकासशील देश भी इसको बोलते हैं। साथ ही साथ चतुर्थ वर्ल्ड में कौन शामिल होगा, जिसका विकास बहुत ही कम हुआ है, अभी भी वहाँ विकास धीरे धीरे रेंग रेंग के चल रहा है, जैसे युगांडा है, जैसे रवांडा है, अफ्रीकन कंट्री में आपको अधिकांश मिलेंगे जो बहुत गरीब है, वहाँ पे बहुत सारी समस्या है, युद्ध होते रहते हैं, शीत युद्ध जैसी स्थिति, वहाँ पे हिंसा बहुत होता है, कुपोषण तो है ही, और वहाँ बीमारियाँ भी फैली रहती है, उसके कारण उसका विकास नहीं हो पा रहा है। पूरे वर्ल्ड को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो जहाँ भी भाई साहब विकास नहीं होता है, हिंसा वहीं पैदा होता है। अगर आप गरीब रखते हैं किसी को लगातार, तो वह हिंसक हो जाएगा और क्रांति ला सकता है, और आपकी पूरी परिस्थिति और पूरे विश्व को प्रभावित कर सकता है। इसलिए यहाँ पे जहाँ जहाँ गरीबी है, वहाँ पे पूरे विश्व के धनी अर्थव्यवस्थाओं को इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अब देखिए, एक उभरती अर्थव्यवस्था किसको कहेंगे, उभरती अर्थव्यवस्था उसको कहते हैं जिसका बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है, जैसे भारत, जैसे चीन, जैसे बांग्लादेश, ऐसे जो देश है ना, वह बहुत तेज़ी से विकास कर रहे हैं, उसी को बोलेंगे इमर्जिंग इकोनॉमी। इमर्जिंग इकोनॉमी में जितने भी विकासशील देश है, मतलब सब तो नहीं लेकिन अधिकांश विकासशील देश इसमें शामिल हो जाते हैं, भारत तो है ही इसका है। तो भारत और चीन जो है दुनिया में इतनी तेजी से प्रगति कर रहा है कि कहा जाता है कि आने वाला जो समय है वो भारत का ही है, और पूरे दुनिया में हमारा डंका बजेगा और हम फिर से विश्वगुरु बन जाएंगे, हम बुद्ध के काल में जो विश्वगुरु थे वो फिर से बनेंगे। अब देखिए, इतना आप समझ गए हैं, अब हम आपको बताते हैं अर्थव्यवस्था के और भी जो प्रकार है उसको। अब विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर देख लीजिए कि इकोनॉमी कितने प्रकार के होते हैं, साथ ही साथ देखिए कि भारत की इकोनॉमी किस तरह की है। देखिए, कृषि आधारित इकोनॉमी, उद्योग आधारित इकोनॉमी, सेवा आधारित इकोनॉमी किसको कहते हैं, ये आप शब्द बार बार सुनते होंगे, एग्जाम में भी पूछा जाता है। देखिए, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जो है, जो प्राइमरी सेक्टर है, उसका योगदान 50% है जिस अर्थव्यवस्था में, और वहाँ के 50% लोग भी उसी काम को कर रहे हैं, तो उसको कहेंगे एग्रेरियन इकोनॉमी। भारत में जब देखिएगा कि भारत के 50% से ज़्यादा लोग प्राथमिक क्रियाकलाप करते हैं, लेकिन भारत के जीडीपी में 50% का योगदान नहीं है प्राइमरी सेक्टर का, फिर भी भारत को एग्रेरियन इकोनॉमी कहा जाता है, क्योंकि भारत की अधिकांश जनसंख्या, बहुसंख्यक जनसंख्या जो है वो कृषि आधारित कामों में लगी हुई है। तो भारत के जीडीपी में कितना योगदान करती है एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर, वह 17%। दूसरा देख लीजिए, उद्योग आधारित, वही फार्मूला यहाँ लागू हो जाएगा। द्वितीय क्षेत्र मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर 50% लोग लगे हुए हैं, और उस देश की अर्थव्यवस्था भी 50% जो है वह जीडीपी प्रोड्यूस करके देता है सेकेंडरी सेक्टर, तो उसको कहेंगे उद्योग आधारित इकोनॉमी। भारत में देखिए, उद्योगों से 29% जीडीपी मिलता है पूरे भारत में, इसको आप समझ गए। सेवा आधारित तृतीय क्षेत्र, टर्शरी सेक्टर होता है, इसमें सेवा का उत्पादन होता है। अगर सेवा के उत्पादन करने में भी 50% लोग लगे हुए हैं, और उस देश की इकोनॉमी में भी 50% का योगदान दे रहा है टर्शरी सेक्टर, तो उस इकोनॉमी को कहेंगे सर्विस बेस्ड इकोनॉमी। और भारत में देखते हैं कि 10% लोग 54% जीडीपी उत्पन्न कर रहे हैं सर्विस सेक्टर में लग करके, यानी कि भारत में कम लोग लगे हुए हैं सर्विस सेक्टर में, लेकिन जीडीपी में उसका 54% का योगदान है। तो भारत ऐसी स्थिति में, भारत सीधे जो है एग्रेरियन इकोनॉमी से सीधे सीधे सर्विस बेस्ड इकोनॉमी की तरफ जंप कर गया है। तो भारत जो है बीच वाला स्टेज देखा ही नहीं है, सीधे जंप कर गया है, क्योंकि 1990-91 के दशक में भारत जो है बड़े पैमाने पर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जैसे चीज़ों को अपना लेता है, और इसके कारण भारत में बीपीओ सेक्टर की बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है, और भारत सीधे जंप करता है प्राइमरी से टर्शरी की तरफ। तो आप इसको समझ गए। अब आप समझिए कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसकी विशेषता क्या है। अभी तक जितना आपको समझाया है उसी में से आप देखिएगा एक दूसरे से कनेक्शन जोड़ करके, तब आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। अब आप भारतीय अर्थव्यवस्था को समझ लीजिए। अभी तक जितना आपने अध्ययन किया है उससे यह निकल के सामने आया होगा कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह खुली है, ओपन इकोनॉमी है, भारत में क्लोज्ड नहीं है। दूसरा आपने देखा कि मिश्रित है, पूंजीवादी और समाजवाद का मिला हुआ रूप। तीसरा आपने देखा कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो विकासशील है, हम जो है अभी विकसित नहीं हुए हैं, अभी दौर में चल रहे हैं। भारत की जो इकोनॉमी है वो निम्न मध्य आय वाली है,
भारत की जो पर कैपिटा इनकम है वह $2120 प्रति व्यक्ति है भारत में। यह आंकड़ा जो है बदलते रहता है, आप नया आंकड़ा जरूर देखिएगा, ये 2016 के आसपास का आंकड़ा है, $2120 प्रति व्यक्ति हमारे यहाँ इनकम है, पर कैपिटा इनकम है ये, इसलिए लो मिड इनकम में कहा जाता है भारत को। साथ ही भारत में कृषि पर 55% लोग निर्भर है या उसके से संबंधित एलाइड में, कृषि हो, पशुपालन हो, मधुमक्खी पालन हो, इस तरह की चीज़ों में, लेकिन जीडीपी का मात्र 17% प्रोड्यूस करता है एग्रीकल्चर। तो देखिए लगे हुए हैं ज़्यादा लोग और जीडीपी कम मिलता है, इसीलिए ना गरीब है हमारे जो किसान है, निर्धन है, इसका कारण यही है, ज़्यादा जनसंख्या लगा हुआ है। साथ ही उभरती अर्थव्यवस्था है, हम इमर्जिंग इकोनॉमी है, ये बात तो है कि हमारा ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छा है और हम आने वाले समय में एक एशिया का महाशक्ति बन जाएंगे, विश्व की शक्ति बन जाएंगे, तो भारत इमर्जिंग इकोनॉमी में भी आता है। तीसरी दुनिया का देश है, देखिए जो वर्ल्ड बैंक ने जिस तरह से दुनिया को निर्धारित किया हुआ है फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस तरह से, तो हम तीसरी वर्ल्ड में आते हैं, हम मिक्स्ड इकोनॉमी वाले हैं। निम्न स्तरीय मानव पूंजी, देखिए भारत का जो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको UNDP निर्धारित करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसमें हम काफ़ी फिसड्डी है, 131वां स्थान है, तो इसको सुधारने की ज़रूरत है। जब तक हम अपने देश के स्वास्थ्य को स्थिति को ठीक नहीं करेंगे, शिक्षा की स्थिति को ठीक नहीं करेंगे, पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ाएंगे, जीवन प्रत्याशा ठीक नहीं करेंगे, तब तक HDI का हमारा रैंक इसी तरह से गड़बड़ रहेगा। इसीलिए अच्छा इस रैंक में भी कभी कभी ऊपर नीचे होते रहता है, 129, 130, 131 इस तरह से, तो आप नया वाला देख लीजिएगा, अभी फिलहाल 131वां स्थान है हमारा HDI में। साथ ही भारत में गरीबी है और गरीबी बहुत भयानक है, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं, और यह गरीबी जो है अलग अलग आयोग के द्वारा अलग अलग अनुमानित किया गया है। जैसे नीति आयोग जो है, वह जब योजना आयोग था 2013 में, तो उसने भारत में बताया था कि 21.9% गरीबी है, 21.9 मतलब लगभग 22% लोग गरीब है जो अपना न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। और रंगराजन समिति बोला कि नहीं, 21.9 नहीं, हमारे देश में 29.5% लोग गरीब है, इसने कहा था कैलोरी के आधार पे, तो उसके बारे में हम अगले क्लास में आपको बताएंगे। UNDP कहता है कि भारत में तो 55% गरीबी है, और वर्ल्ड बैंक जो है वह $2.5 प्रति प्रतिदिन के हिसाब से कमाने वाले को करता है, तो उसमें भारत में 81% लोग गरीब हो जाते हैं। तो इस तरह से भारत में गरीबी तो है, गरीबी को दूर करने की बहुत सारी योजनाएं चल रही है, लेकिन अभी तक हमें बहुत ज़्यादा अपेक्षित जितना अपेक्षा था उतना नहीं मिल पा रहा है। साथ ही देखिए भारत के 65% युवा आबादी है, भारत जो है एक युवा आबादी का देश है, युवा देश है भारत, तो भारत के पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियलिटी है विकास करने का, युवा में क्षमता होता है, लेकिन अब युवा किस तरह से इस्तेमाल हो पाते हैं भारत के अर्थव्यवस्था में, ये तो वक्त ही बताएगा। साथ ही देखिए आर्थिक असमानता, भारत के 10% लोगों के पास भारत के 77.4% संपत्ति है, लगभग 78% संपत्ति सिर्फ 10% लोगों के पास में है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये ऑक्सफोम की रिपोर्ट बोल रही है, ऑक्सफेम जो एक रिपोर्ट तैयार करती है वो बोल रही है कि भारत में बहुत भयानक असमानता है, हमने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाया फिर भी असमानता है। ऐसे तो रूस में भी असमानता है, वहाँ भी 10% लोगों के पास, वहाँ भी 77-75% संपत्ति है। तो उसके बाद साक्षरता देख लीजिए, भारत में साक्षरता का दर जो है वह भी बहुत अच्छा अभी नहीं हो पाया है, 73% साक्षर है लोग, अभी 2021 की जनगणना होगी तो हम निश्चित रूप से इसे ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन हमें और ज़्यादा साक्षरता दर को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, कम से कम 95% 96% तक। साथ ही भारत में जितने भी व्यापार होते हैं उसमें भुगतान जो संतुलन है वह बिगड़ा हुआ है, वह नकारात्मक है, इसीलिए भारत को घाटा लग जाता है, भारत आयात ज़्यादा कर लेता है निर्यात कम करता है, तो भारत को ज़्यादा घाटा लग जाता है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। साथ ही भारत की जो समाज है वह अभी भी बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी समाज है, ऐसे तो डेवलपमेंट बहुत हुआ है और विकास धीरे धीरे हो ही रहा है, धीरे धीरे अप टू डेट हो रहे हैं हम सब, और वैश्विक अर्थव्यवस्था का प्रसार होने से पूरे दुनिया एक ग्लोबल विलेज में बदल गई है, लेकिन फिर भी भारत में गाँव के क्षेत्र में देखिएगा तो रूढ़िवादी समाज है। आज भी देखिएगा कि युवा लोग भी अपने एनर्जी का इस्तेमाल किसी और के झंडा भाजने में कर देते हैं और वह उसके अंदर में उद्यमशीलता नहीं आ पाती है, वो जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे इस तरह से चीजों को करते रहते हैं। तो इन सभी चीज़ों को सुधार करके ही भारत को हम विश्वगुरु बना सकते हैं, और हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सबका कर्तव्य है कि जिस देश में पैदा हुए उस देश को टॉप पे पहुंचाए। हमारा संविधान भी कहता है हमेशा प्रगति की ओर बढ़िए और हमेशा अपने लिए और अपने देश के लिए अच्छा काम करिए। तो आई होप कि आप इन सब चीज़ों को समझ गए होंगे। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।